हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है। तो देर किस बात की, आपको लेकर चलते हैं अमृता सिंह और सैफ अली खान की खबर की ओर। अमृता सिंह ने तलाक के लिए मांगी थी सैफ से मोटी रकम। एक्टर ने कहा, मैं शाहरुख नहीं हूँ। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी से लेकर तलाक तक कई विवाद हुए। सैफ ने खुद से 13 साल बड़ी अमृता से साल 1991 में शादी की। उस दौरान एक्टर ने इंडस्ट्री में कदम तक नहीं रखा था। वही अमृता बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। सैफ अली खान और अमृता सिंह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यही कारण था कि दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। शादी के 13 साल बाद हो गया था तलाक। शादी के दौरान अमृता सिंह ने दो बच्चों सारा और इब्राहिम को जन्म दिया। हालांकि दोनों के प्यार का यह रिश्ता 13 साल बाद टूट गया। साल 2004 में सैफ अली खान और अमृता सिंह ने एक दूसरे से तलाक ले लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो तलाक के बाद अमृता सिंह ने अलमनी के तौर पर सैफ अली खान से मोटी रकम मांगी थी, जिसको चुकाने में पटौदी खानदान के छोटे नवाब के पसीने छूट गए। तलाक के बाद सैफ अली खान ने अमृता सिंह को लेकर कई खुलासे किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के लिए अमृता सिंह ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे। जब तक उनका बेटा इब्राहिम 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक सैफ को अमृता को हर महीने 1 लाख रुपए देने थे। तलाक के 1 साल बाद यानी 2005 में सैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अमृता को 2.5 करोड़ दे दिए हैं, बाकी भी दे दूंगा। मैं हर महीने अपने बेटे के 18 साल के होने तक 1 लाख रुपए का भुगतान करता हूँ। मैं शाहरुख नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना पैसा। मैंने अमृता से सभी पैसे चुकाने का वादा किया है और मैं जरूर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बता दें, सैफ अली खान ने अमृता सिंह को 2 किश्तों में अलमनी की रकम अदा की। सैफ अली खान ने इंटरव्यू में अमृता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनके दोनों बच्चों से मिलने नहीं देती। सैफ ने कहा था कि उन्हें बच्चों की बहुत याद आती है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।